जय श्री राम, हर 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 महादेव। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कुबेराय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे आप सभी लोग, बढ़िया है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज नहीं बल्कि 3 वर्षों से आपकी सेवा में हमारा चैनल, हमारी संस्था के जो विद्वान लोग हैं लगातार आपकी सेवा निशुल्क कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। संस्कृति बढ़ाओ सनातन बचाओ के उद्देश्य पे हमारी जो लुप्त हो रही संस्कृति है, लुप्त हो रहे मंत्र है, लुप्त हो रहे टोटके है, लुप्त हो रहे उपाय है, उनको जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे 1 रुपए ना दे। आज का विषय बहुत ही गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास लगभग सभी वीडियो मैंने बनाई, कुछ हमारे परिवार के ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यानी कर्ज में बुरी तरीके से डूबे हुए हैं। अब वो कर्ज में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि वो अचानक धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय खोज रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हो सकता है कि गलत रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब व्यक्ति का वक्त खराब होता है तब वो नाना प्रकार की सोच अपने मन में उत्पन्न करता है। इस बात का ध्यान रखें, धैर्य से काम लें। अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है तो उसका निवारण आप धैर्य से सोचें और सही रास्ते से जरूर निकलेगा। तो आज का मेरा वीडियो इस विषय पे है कि आपका जो कर्ज है, भारी भरकम कर्ज है, उससे कैसे आप छुटकारा पाएं, या आप जो दरिद्रता का दिन काट रहे हैं इससे कैसे छुटकारा पाएं, या आप जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं तो उससे कैसे छुटकारा पाएं, मूलतः अचानक धन की प्राप्ति कैसे हो। देखिए मेरे प्यारे दर्शकों, घर बैठे अचानक धन प्राप्त होना बहुत ही असंभव है, फिर भी जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे विद्वानों ने, जो हमारे साधकों ने, जो हमारे प्राचीन विद्याओं की कुछ ऐसी भी विद्याएं थीं जिनको करने से, ये विद्याएं उन्हीं पे काम करती हैं जो हकीकत में परेशान हो और नाना प्रकार के कर्जों से वो दबे हो। क्योंकि ये जब विद्याएं बनती थीं, उनका निर्माण होता था, आविष्कार होता था, तो उसको कीलित किया जाता था, अर्थात कि दुरुपयोग करने वाले का ये विद्या कभी सफल नहीं होती है। इसीलिए जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से लोकहित, जनहित, अपने परिवार के कल्याण की भावना से प्रयोग करते हैं वो सफल होते हैं। तो आज इसी क्रम में ये विद्या जो मैं बताने जा रहा हूं, कैसा भी कर्ज हो, कैसा भी आप पैसों से, कर्जों से दबे हो, कैसा भी आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दो समय का भोजन नहीं खा पा रहे हो, उनके लिए ये प्रयोग एक राम बाण सिद्ध हो सकता है। क्योंकि ये प्रयोग आपको अचानक धन प्राप्त कराता है। मेरा इस वीडियो का उद्देश्य नहीं कि आप जाके लॉटरी खेलें या जाके आप कोई रेस पे, मटके पे इधर उधर वो लगाएं। ये कुबेर जी का बहुत ही पावरफुल उपाय है। इसको करने से लक्ष्मी और कुबेर के पास से आपको अचानक धन की प्राप्ति होती है। वो धन, वो चाहे आपको किसी पूर्व में बकाया राशि हो या कहीं से अचानक कोई देवदूत बनकर आपकी मदद कर दे, या आपके अचानक बिजनेस में बहुत ज्यादा लाभ हो जाना, या आपको गुप्त यानी पुरखों का धन प्राप्त हो जाना, या गड़े धन की प्राप्ति हो जाना, या लॉटरी में आपका नंबर लग जाना। गड़ा धन मैं बता दूं, आज गड़े धन के चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा, इस पे आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। कुछ लोग इतने कलाकार होते हैं, आपके घर में गड्ढा खुदाएंगे, पानी भर देंगे, दूर रहेंगे, लेकिन उनका एक ट्रिक्स होता है, उसके अंदर कुछ सिक्के, कुछ पीतल की चीजें पहले से डाल देंगे, उसके बाद बोलेंगे आपके यहाँ ये निकला है,
हाँ, इसमें अभी और इतना लाख रुपए खर्चा करो आप उल्लू बन जाएंगे, ध्यान रखिए इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा, पैसा कभी मत खर्चा करिएगा। तो आइए उपाय शुरू करते हैं वीडियो को ना देरी करते हुए। एक बार पुनः कहूंगा कि तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे एक रुपए किसी को ना दे। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अच्छी चीज निःशुल्क आप तक, आपके परिवार, आपके प्रियजन तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार को करना है, किसी भी शुक्रवार को करना है। बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। और इस उपाय को किस तरीके करना है, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, लिख लीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कुबेर धात्री। कुबेर धात्री, आइए हम दर्शन कराते हैं कुबेर धात्री होती क्या, इसका परिचय जब आप कर लेंगे, संपूर्ण जानकारी कर लेंगे, तब प्रयोग करने में आसान हो। कुबेर धात्री एक प्रकार का पौधा होता है जो कि 2 से 2.5 फुट का होता है, ठीक है। और ये खुशबूदार जड़ होती है इसकी, इतनी खुशबूदार होती है कि इस पे दीपावली यानी दीपावली की रात को कुबेर और लक्ष्मी की एक साथ कृपा होती है। और जिन पौधों के पत्ते पे पीली छींटे पड़ जाती हैं, तो ऐसा मानना है हमारे वनस्पति तंत्र के अनुसार कि ये पौधा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शुभ हो जाता है। क्योंकि अमावस की रात को कुबेर अमृत, लक्ष्मी अमृत नाम का रस इस वृक्ष के पत्तों पे पड़ता है, जैसे ओश की बूंदें गिरती हैं, तो इसके अंदर वह पावर हो जाती है कि इसकी जड़ को आप पीले कपड़े में बांध कर शुक्रवार को, अब शुरुआत करते हैं बताने का, ठीक है। इसकी जड़ थोड़ी सी, क्योंकि इतने से ज्यादा जड़ें नहीं निकलती है, इसकी जड़ शुक्रवार को थोड़ी से पीले कपड़े में बांध कर ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इसका दक्षिण मुख होकर नहा धो करके रात को 7 बजे से 8 बजे के बीच आप 108 बार इस जड़ के ऊपर मंत्र पढ़कर फूंक मार दें। अब यह जड़ कैसी होती मैं दिखा दूं, यह है, ठीक है, देख रहे हैं आप, बहुत ही खुशबू होती है। आहा, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब इसको लेना, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। आप खाली जड़ के ऊपर भी पढ़ सकते हैं या आप पीले कपड़े में बांध कर भी पढ़ सकते हैं। जब 108 बार ये कर चुके तो इस जड़ को एक बड़े दीपक के अंदर ऐसे डाल दें कपड़े सहित, और रुई की बाती उस दीपक में जला दें। ये दीपक के तेल के अंदर पड़ा रहेगा, वो बाती जलती रहेगी। 1 घंटे बाद वो दीपक बुझा दें और इसको निकाल कर आप अच्छी तरीके से पोंछ कर उस पीले कपड़े से अपने दाहिने भुजा पर बांध लें। दाहिने भुजा पर बांधने के बाद आप ये चमत्कारी प्रभाव देखेंगे कि आपको अचानक धन का प्रवेश आपके घर में प्रारंभ हो जाएगा। अचानक कहां से कौन देवदूत बनकर आ जाता है, किससे संपर्क हो जाता है, ये तो कुबेर भगवान जाने, लक्ष्मी जी जाने, परंतु आपकी जो आवश्यकता है वो पूर्ण होगी। अब ये मत सोचिएगा कि आप अरबपति खरबपति बन जाएंगे, हां, आप जो जिंदगी, वर्तमान जिंदगी में पैसों की तंगी को लेकर परेशान हैं, जूझ रहे हैं, उससे फुर्सत मिल जाएगी। ये छोटा सा आसान सा प्रयोग है, इसे करिए। एक बात और सुन लीजिए, अभी हमारी जो एक एजुकेशन वाली वीडियो आई, उससे पहले वीडियो पड़ी थी बिजनेस के लिए, उसमें जिन भाइयों ने अच्छा कमेंट किया था उनको कोरियर यहां से भेज दिया गया है। कृपया आप लोग अपना फोन चालू रखिएगा, आपका कोरियर 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो में जो बहुत अच्छा कमेंट करेगा ऐसे 10 लोगों को एक दिव्य उपहार दिया जाएगा, और जो 10 अच्छे कमेंट करने वाले होंगे कमेंट में ही उनसे मैं उनका एड्रेस मांग लूंगा। और हमारी वीडियो को जैसे मैंने बताया था, जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, तो हमारा सॉफ्टवेयर एक ऐसा हमने बनवाया है जो हमारी वीडियो के से लिंक से टच है। जो लोग हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे उनका
मेल जो हमारे उस पे शो कर देगा कि ये फला ने इस मेल से ज्यादा आपकी वीडियो शेयर हुई है, वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। तो ऐसे लोगों को मैं कुछ चमत्कारी ऐसा चीज दूंगा जो कि उसका प्रत्यक्ष वो प्रमाण देखेंगे। कम से कम ये 200 से 300 जब आप लोगों को शेयर कर देंगे उसके बाद ही ये हमको शो करेगा। जिसका जितना ज्यादा होगा उतने बड़ा उसको बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा मेरी तरफ से, वो भी चमत्कारी। तो इसे आप प्रयोग करिए, लाभ उठाइए, इस जड़ का कमाल देखिए। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरा फोन नंबर लिख लीजिए 9118036409। एक बार फिर 9118036409। दूसरा नंबर है 7497982880। ये दोनों नंबर हमारे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का आपकी सेवा में पूर्णतः निशुल्क। आप इस पे जानकारी ले सकते हैं। एक निवेदन और है कि इस पे बहुत लंबा ना कि आप, बहुत से लोग आधा आधा घंटा ले लेते हैं, तो इसलिए अगर आप आधा घंटा ले लेंगे तो और हमारे कॉलर को क्या जवाब दें। तो आप अपनी बातों को सिर्फ मुझे ये प्रॉब्लम है इसका सलूशन बताइए तो आपको बता दिया जाएगा। हमारे यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे किसी प्रकार का कोई रुपए नहीं लिया जाता है। हाँ, पूजन निःशुल्क किया जाता है, आपके कोई प्रश्न हो निःशुल्क उसका उत्तर बताया जाता है। पूजन अगर आप कराएंगे या कोई सामग्री लेंगे तो उसका अनुदान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं होता है। इसको भी हम लोग परचेज करके या विधि पूर्वक मंगाकर आप तक पहुंचाते हैं कोरियर से। धन्यवाद। माता रानी आपको, आपके परिवार का कल्याण करे। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर बताया उस पर संपर्क करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर रहेगा उस पर संपर्क करें। जय हिंद। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करें। जय श्री राम।